Well, Honda Motorcycle and Scooters India ki ab kya hai strategy in the electric vehicle space? In fact, company ki ab aage chalkar plans kya hai, whether it's domestic or export market? Let me go across to Mr. Yogesh Mathur, jo ki director sales and marketing hai at Honda Motorcycle Scooters India. Sir, bahut bahut swagat hai. Thank you so much for your time. Aapne ek thought through strategy ab banai hai towards electric vehicles, and I think ये स्ट्रैटेजी एक बहुत लंबे समय के लिए आपने एक तरह से रोड मैप तैयार किया है, तो हमारे दर्शकों को बताइए होंडा का फोकस एंड आपकी जो एक तरह से कमिटमेंट है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो किस तरह से होने जा रही है सर? देखिए, इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है एंड इस ग्रोइंग मार्केट के अंदर सारे तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं. आईसी इंजन भी है, ईवी भी है. और इंडिया में हमने देखा है कि रीसेंट पास्ट के अंदर ईवी का जो ओवरऑल मार्केट है दैट इज़ ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. सो उसको टैप करने के लिए वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग आर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ एंटरिंग इन टू दैट पर्टिकुलर एरिया. और हम भी अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप बना रहे हैं. कुछ डिटेल हमने आज शेयर की है, कुछ हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम और शेयर करेंगे. So that you can also be, you know, informed about किस तरीके की commitments हैं, investments अगर हम बात करते हैं product wise, आपका जो focus है domestic और international market में कौन से, अभी आप कितने markets में present हैं, कितने और markets में आप expand करेंगे, उस point of view से क्या है view? EV roadmap के अंदर अगर हम पहले बात करें तो हमारा जो product आएगा वो दोनों तरीके के products होंगे. fixed battery type भी होगा और swappable battery भी होगी. और जहाँ तक हमारा एक्सपोर्ट का सवाल है, करंटली हम लोग 18 मॉडल्स हैं जो हम 38 कंट्रीज़ में अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. और गोइंग फॉरवर्ड हमारा प्लान है इसको और एक्सपेंड करके अराउंड 56 कंट्रीज़ में हम एक्सपेंड करेंगे विद ऑल द प्रोडक्ट रेंज विच वी हैव. तो कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स, कौन से मॉडल्स होंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो एक आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, बट आइस इंजन्स और आइस प्रोडक्ट्स भी रहेंगे. सो मेजर हमारा जो एक्सपोर्ट रहेगा वो आइस इंजन के साथ ही रहेगा एज ऑफ नाउ. और डोमेस्टिक में अभी हम ईवी के साथ अब एंटर कर रहे हैं और हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर ईवी की भी कोई पॉसिबिलिटी होती है टू एक्सपैंड एंड एक्सपोर्ट फर्दर, तो वो भी हम एक्सप्लोर करके हम उसको लाइनअप में ऐड करेंगे. सर, टू व्हीलर इंडस्ट्री थोड़ी सी स्लगिश रही है अभी. पैसेंजर व्हीकल्स में जो हमने ग्रेथ देखी वो समवेयर टू व्हीलर्स में नहीं आ पाई. आगे उम्मीद लग रहा है कि थोड़ा बेहतर होगा ये नया साल, अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो आने वाला है, तो आप क्या कैसे देख रहे हैं, कैसे बेंचमार्क कर रहे हैं, किस तरीके की डिमांड है, आपका फोकस क्या रहेगा, क्या ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं ओवरऑल बिजनेस में? सो टू व्हीलर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वी आर वेरी अपबीट अबाउट दी ओवरऑल इंडस्ट्री, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो अभी भी नेसेंट स्टेज में है. दी ओवरऑल टू व्हीलर पेनिट्रेशन आज की तारीख में भी इंडिया में इज मच लोअर एज कम्पेयर टू मैनी अदर इकोनॉमीज. तो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड सिंस मिडिल इनकम ग्रुप बहुत ज़्यादा है इंडिया में और वो हमारे टू व्हीलर के खासतौर पर यूज़र होते हैं, तो हमें लगता है कि आगे भी ग्रोथ होगी. और एक जो एक्सपेक्ट करते हैं इस साल की जो इंडस्ट्री है वो लगभग 16% ग्रोथ हुई है अभी तक टिल फेब्रवरी, और उसमें HMSI हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 21%. सो विद दैट वी हैव बीन एबल टू कंसोलिडेट आर मार्केट शेयर. और हमें लगता है कि अगले साल भी इंडस्ट्री जो है वो लगभग यू नो डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, लोअर डबल डिजिट. तो उस तरीके से अगर हम देखें तो यस, इंडस्ट्री विल बी इन अ गुड यू नो वॉल्यूम्स गोइंग फॉरवर्ड. थोड़ा जो बीच में हिकअप है वो आपको पता है, ऑलरेडी फ्रॉम OBD1 टू OBD2 वी आर ऑल मूविंग टू द न्यू रेगुलेशन ऑफ नॉर्म्स. तो उसमें जब सारे मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग हम भी वी विल बी ऑल्सो अपग्रेडिंग आर मॉडल्स टू OBD2 रेंज. सो वो जब हो जाएगा तो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट गुड वॉल्यूम्स कमिंग इन. ओके, तो उम्मीद है कि यहाँ से इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म करेगी, इफ नॉट वेरी गुड एटलीस्ट डबल डिजिट ग्रोथ, लोअर डबल डिजिट ग्रोथ इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड. अब आपके जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, आपने बताया कि आप प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं, ईवी डेडिकेटेड फैसिलिटी बना रहे हैं, तो ओवरऑल इस वक्त आपकी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इनहांस होकर कितनी हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? और एक्टिवा पर तो मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि आपका सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोडक्ट वही है, उसमें क्या आपने आगे सोचा है, उसके अभी भी सबसे ज़्यादा टेकर्स हैं? या सो जहाँ तक प्रोडक्शन कैपेसिटी का सवाल है, अभी करंटली हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अराउंड 5.2 मिलियन है. और हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा जो नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है Shine 100, उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आएगा. एंड उसको देखते हुए, और चूंकि हमें ईवी को भी डेवलप करना है, तो वी हैव टू लुक एट इन टर्म्स ऑफ आर एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी. तो हम हमारा जो फोर्थ फैक्ट्री है गुजरात में उसको हम एक्सपेंड करेंगे एंड एक्सपेक्टिंग अराउंड 5.6 मिलियन की कैपेसिटी विद दैट एक्सपेंशन. ओके,
और जहाँ तक एक्टिवा का सवाल है, डेफिनेटली यस, इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट फॉर अस एंड वी हैव स्टिल 40% ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर टोटल सेल कम्स फ्रॉम एक्टिवा. सो वी आर वेरी अपबीट एंड विद द लॉन्च ऑफ स्मार्ट की वेरिएंट जो हमने जनवरी में लॉन्च किया है, सो रिस्पांस इज बीन फैबुलस एंड वी आर गेटिंग वेरी वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम ऑल द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर्स. ऑल राइट सर, या ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू.